नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का थोड़ा सा सवाल जवाब है, आज का कोई मुद्दा नहीं है, आज का सवाल जवाब है, क्योंकि मुद्दे सारे जो है तो वो डीजीटी को मैंने सौंप दिए हैं। तो सवाल जवाब में पहला सवाल एक आता है कि एक स्टूडेंट यूपी का है, वो बहुत घबराया हुआ है, उसको 7 तारीख का पेपर था, तो उसको आईटीआई वाले ने उसको जो है तो बताया नहीं कि एग्जाम है कि नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो देखो भाई, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आईटीआई वाले कम से कम यार आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में सबको सूचना दिया करो यार। वो गरीब बेचारा बच्चा रो रो करके उसका बुरा हाल हो रहा है, वो वीडियो भेज रहा है, मैंने उसका वीडियो नहीं चलाया है क्योंकि मैंने उसकी जानकारी मैंने डीजीटी को भेजा, तो डीजीटी ने बोला कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अब आईटीआई वाले जाने और अगले एग्जाम में उसको बैठाएं या क्या करें कैसे करें, लेकिन अब ये मुद्दा बनता ही नहीं है क्योंकि अब आईटीआई वाले को चाहिए कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ग्रुप बना करके बच्चों को सूचित करें। दूसरा जो है तो एनटीसी के मार्कशीट में दिक्कत आ रही है, तो देखिए मैंने ये मुद्दा उठा दिया कि फोटो और साइन नहीं आ रही है, तो वो अपडेट करने के मूड में है और अपडेट करेंगे। तीसरी चीज़ें ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2018-2017 के कुछ सवाल हैं और उनका जवाब देना चाहिए डीजीटी को, तो उनका जवाब भी मैंने मांग लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि आज कल परसों आपके पास सिर्फ 2 दिन टाइम है, पूरे आईटीआई वाले और स्टूडेंट बता रहा हूं, सोमवार मंगलवार बुधवार को रिजल्ट बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। मैंने 20 तारीख का डेट दिया था कि सोमवार से लेकर के 20 तारीख तक डीजीटी के बहुत सारे 50% अधिकारियों को कोरोना हो गया है, संक्रमित हो गए हैं वो, और ऑफिस जाना बंद कर दिए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तब भी वो अपना टारगेट रखे हुए हैं, 20 तारीख अपना टारगेट रखे हुए हैं वो। आज से काम चालू हो गया है बहुत तेजी से, और मेरे को 100% ये विश्वास है कि आज रात और कल मंगलवार को पूरा काम कर लेंगे, और बुधवार को हो सकता है कि सुबह, दोपहर या शाम रिजल्ट अपडेट हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका डेटा बचा हुआ है, आपका ईडी वाला डेटा बचा हुआ है, तो नोडल सेंटर जाकर के एक बार बोलिए कि सर एक बार फिर से मेल कर दीजिए, आज एक बार फिर से मेल कर दीजिए जो जहां पे हैं। अभी वीडियो बन जाएगा, 1 घंटे के बाद हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह सुबह जा करके 2-2:30 बजे के पहले बोलिए कि एक बार सर मेल कर दीजिए, दोबारा मेल कर दीजिए। प्राइवेट आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूं कि वो एक बार फिर से मेल करें, स्टूडेंट को भी बोल रहा हूं कि अपना हेल्प डेस्क में जाकर के जो मेल एड्रेस हो आईटीआई वाले का उनको कहें और जाकर के करें। नहीं तो मैं आपको एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूं कि 28 तारीख के बाद ये आप मान लेना कि आपकी सुनवाई अब नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 दिन में कर लोगे तो बहुत कुछ आपका जो है तो बुधवार को अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा बुधवार को तो गुरुवार को, यानी 20 तारीख तक में अपडेट हो जाएगा। बाकी जो टेक्निकल काम बचेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं विश्वास दिलवा रहा हूं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक शाम को 5 बजे तक जितने मुद्दे होंगे उतने मुद्दे मैं उठा करके डीजीटी के सर पर पटक दूंगा, और डीजीटी सुन रही है, सारी चीजें सुन रही है। डीजीटी की अब गलती नहीं है, मैं इतना बता दे रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं, मैं खुद समझ रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चक्कर में आप लोग मत बैठिए और मत पड़े रहिए कि सबका अपडेट हो जाएगा तो हमारा भी अपडेट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत सारे आईटीआई वाले, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमारा सवाल पूछिएगा, तो देखिए मैं आपको आज का वीडियो का सवाल पूछ रहा हूं डीजीटी से, और डीजीटी को मैं समझा भी रहा हूं, हालांकि मैंने उनको सब भेज दिया है, उनको समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं कि देखिए ये सवाल हैं, इनका मेरे को जवाब चाहिए, सुन लीजिए मैं जवाब। पहला ये सुन लीजिए, पहला जो उनका मैंने पूछा है जो आप लोगों का आया है कि 2018 के फर्स्ट ईयर पूरक के उन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ था जिनका केवल ईएस में पूरक था, उनका किसी भी विषय का परीक्षा परिणाम नहीं आया है। दूसरा, 2019 के 2018 के फर्स्ट ईयर पूरक के उन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ था जिनको केवल ईएस में पूरक था, उनके किसी भी विषय का परीक्षा परिणाम नहीं आया है। 2017 के कुछ छात्रों का परिणाम घोषित हुआ है लेकिन कुछ छात्रों का किसी भी विषय के अंक अपलोड नहीं हुए हैं, उसके परीक्षा परिणाम में परीक्षा माह सत्र जुलाई 2019 ही शो हो रहा है। तो ये जो 3 आपके सवाल थे
बहुत बड़े सवाल थे, कई उसमें से आए थे, तो मैं ये सवाल जो है तो डीजीटी को भेज दिया हूं और इसका सवाल का जवाब आ जाएगा मेरे पास कल। अगर आ जाएगा, आज रात तक में आ जाएगा, तो मैं कल फिर वीडियो बना करके आपको मैं इसका बता दूंगा, क्योंकि इनका भी सवाल चाहिए कि आपको इनका जवाब भी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग एक बार जरूर मेल कर दीजिए, इतने मेल किए हो तो आज मेल कर दीजिए, कल मेल कर दीजिए, ताकि बुधवार को जो है तो फिर कोई डेटा छूटे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बुधवार को कोई डेटा छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद बुधवार को आप रुकिएगा, गुरुवार को रुकिएगा, शुक्रवार को और शनिवार को, मैं संडे को वीडियो बनाऊंगा, संडे को फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं जिनका रिजल्ट और जिनकी जो परेशानी नहीं है वो सब कोई व्हाट्सएप पे मेरे जो चलता है, व्हाट्सएप पे मेरे अपने अपने मुद्दे भाई, या तो वीडियो बना करके, 2 मिनट का वीडियो बना करके देना, या आप लिख करके देना। फोन करते हो तो मैं भूल जाता हूं, इतने फोन कॉल आते हैं कि मैं भूल जाता हूं कि किसका क्या मुद्दा उठाऊं क्या नहीं। लिख करके देते हो तो मुद्दा उठता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बुधवार तक वेट करिए, गुरुवार तक वेट करिए, ठीक है। अगर बुधवार को रिजल्ट अपडेट हो जाता है तो गुरुवार तक वेट करिए, गुरुवार को शाम को बाद जिसका नहीं होता है तो वो शुक्रवार को या शनिवार को अपना वीडियो बना करके मेरे को देंगे, सर ये वाली प्रॉब्लम अभी रह गई, ये वाली प्रॉब्लम रह गई है। संडे, मंडे, ट्यूजडे, 3 दिन हम लगातार वीडियो आपके चलाएंगे, 20 के बाद 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, क्योंकि ये जो तीनों आपके प्रॉब्लम होंगे ये 24, 25, 26, 27, 28 तक में अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूं कि 28 तारीख के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और जिनका नहीं आया रिजल्ट उन तक ये वीडियो भेजिए और उनको बोलिए कि भैया इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और अपने सवाल पूछो। ये आप लोगों का आईटीआई टॉक शो है। आप बहुत सारे यूट्यूबर के बहकावे में आते हैं, वो एक लेटर निकालते हैं डीजीटी का और वही समझाते रह जाते हैं, वही आप समझते रहते हो। तो अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर आपकी आवाज कोई नहीं उठा सकता है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक चीज जो शिकायत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो आप समझ जाइए कि मैं किसी काम में व्यस्त हूं, शूटिंग में व्यस्त हूं या कोई काम हो रहा। मैं बता दूं कि आज 10 दिन से सारा काम छोड़ करके सिर्फ मैं आपके रिजल्ट पे लगा हुआ हूं। बार बार सवाल जवाब, बार बार सवाल जवाब, बार बार पूछना, बार बार ये सर नहीं हुआ है, ये सर नहीं हुआ, चूंकि मैं जान रहा हूं। मैं 28 तारीख को खुलासा करूंगा कि मैं क्यों छटपटा रहा था, क्यों आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के मैं इतना ज्यादा वो हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। तो हमारी भी परेशानी समझिए, मैं आपका मुद्दा उठा रहा हूं। और अगर भाई 2-3 दिन में वीडियो नहीं बन रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, ये चैनल है। तो अभी बहुत सारे आपके जो सवाल थे उनका जवाब मैं लेने के मूड में हूं और डीजीटी रिजल्ट अपडेट करने के मूड में है। और मैं सोच रहा हूं कि वो जब रिजल्ट अपडेट हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी टाइम पे हो जाए। तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूं ना, उतना ना तो आपका आईटीआई वाला कर रहा है ना आप लोग कर रहे हो। ये बताने की चीज नहीं है, ये बताने की चीज नहीं है। मैंने जितने भर आपके मुद्दे उठाए, आप उठा करके देख लो कि 2 महीने से जो मैंने मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए हैं और होते जा रहे हैं। इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर अपनी आवाज नहीं उठाते हो तो आपकी आवाज फिर कोई नहीं उठाएगा। आप बैठे रहोगे कि वो उसका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, आईटीआई वाला भी ऐसा बैठा है कि अरे अपडेट हो जाएगा। और हां, आईटीआई वाले, प्राइवेट आईटीआई में बता रहा हूं, मेरे को लड़कों ने वीडियो भेजा है कि आप लोग 5,000 रुपए ले रहे हो आईटीआई के बच्चों को पास करने के लिए। ये वीडियो मेरे पास है, मैं इसको मुद्दा उठाऊंगा, लेकिन मैं अभी उलझाना नहीं चाहता हूं। या तो सुधर जाओ, मैं उलझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी रिजल्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो ये पैसा मांग रहे हैं आईटीआई वाले, और ये लड़के मैं बता रहा हूं कि सब पूरे स्टूडेंट अब अवेयरनेस हो गए हैं, अब वो जानने समझने लगे हैं,
बहुत सारे प्रैक्टिकल में जो पैसे लिए हैं उसके वीडियो बना करके, एग्जाम में जो पैसे मांग रहे हैं, पास के जो पैसे मांग रहे हैं, वो सब के वीडियो बना करके मेरे पास भेज रहे हैं। मैं ये चला दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं कि वीरेश धमका रहा है, तो फिर मैं धमका ही रहा हूं, ये मैं बता दे रहा हूं। तो आप लोग सुधर जाओ। स्टूडेंट के साथ में किसी भी प्रकार की आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनके साथ खिलवाड़ हो। हाँ, अगर वो फीस नहीं देते हैं वो आप देखिए, और बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं, किसी भी आईटीआई वाले की, जब तक आप फीस नहीं भरोगे तब तक वो क्या करेगा? आप अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकते हो। और छात्रों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग जो है तो आईटीआई जाते नहीं हो, पढ़ने जाते नहीं हो, अब आईटीआई वाला कब तक आपको फोन लगाता रहे? आप प्रैक्टिकल करने जाते नहीं हो, आप जो है तो थ्योरी, वो यूट्यूब में यूट्यूबर चला रहे हैं अपनी दुकान, वो यूट्यूब देख करके आप पास हो जाओगे? आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब तक आप आईटीआई में नहीं जाओगे और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप थ्योरी के पेपर में पास हो जाने पर भी कुछ नहीं कर सकते हो। आज की डेट में प्लेसमेंट एजेंसियां देखती हैं कि आपको प्रैक्टिकल आता है कि नहीं आता है, और थ्योरी में पास होना प्रैक्टिकल का एक छोटा सा पॉइंट है, बस हो गया कि आप एलिजिबल हो। अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, अब मान के चलिए कि सुधर जाओ, अटेंडेंस सीट लगने वाली है, थंब मशीन, तब क्या करोगे? जाना तो पड़ेगा ना। और अगर आप फीस नहीं देते हो आईटीआई वाले को, तो वो क्या करेगा बेचारा? कहां से फैकल्टी रखे, कहां से बिजली का बिल दे, कहां से आपको पढ़ाए? तो आप भी अपने में सुधार करिए। हर दोष आईटीआई वाले का भी नहीं होता है। अब आईटीआई वालों को आप देखिए, मैं नहीं छोड़ रहा हूं, अगर जो आईटीआई गलत है तो मैं उस आईटीआई की पूरी फोटो, पूरे वीडियो जो आप लोग दिए हो मैं वो दूंगा। मैं फरवरी में यह काम चालू करूंगा, लेकिन अभी आपका रिजल्ट का है तो रिजल्ट अपना वो करिए। अभी बहुत सारे लोगों की फीस बची, अब नहीं, जाइए फीस जमा करिए, आप जाइए वहां के फैकल्टियों से मिलिए, आप ग्रुप में ऐड होइए, उनको बोलिए कोई कुछ सूचना हो तो सूचना दे। आप घर में बैठ करके मोबाइल पे वो थ्योरी का पेपर यूट्यूब वालों को देख करके वो बेवकूफ बनाते रहते हैं, बस हो गया, आप बनते रहते हो। और फिर सारी समस्या का समाधान उठा करके पटक दोगे या तो आईटीआई वाले के ऊपर या डीजीटी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीजीटी की गलती नहीं है, आईटीआई वाले की गलती नहीं है, पर गलती आपकी भी है उतनी, और आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना ईमानदार हो। इसलिए जितने भी छात्र हैं जिनकी फीस नहीं जमा, वो फीस जमा करें और आईटीआई जाएं, वहां प्रैक्टिकल करें और लोगों को प्रेरित करें कि भैया ये यूट्यूब से पढ़ने से पास नहीं होगे, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल के लिए जाओ और आईटीआई जाओ, और वहां नहीं है फैकल्टी तो वीडियो बना करके मेरे को भेजो, नहीं करवाता है तो फिर देखो। अब सब सुधर रहे हैं भाई, मेरा कहने का मतलब है कि देखो हम सब एक परिवार के हैं, डीजीटी भी हमारे परिवार का है, आईटीआई वाले भी हम एक परिवार के हैं, स्टूडेंट भी एक परिवार के हैं। छोटा मोटे गलती चलती रहती है, जहां बहुत सारे बर्तन होते हैं यार, तो वहां आवाज होती रहती है, टकराते रहते हैं। हम अपने में सुधार कर रहे हैं, आईटीआई वाले भी सुधार कर रहे हैं। आईटीआई वाले भी रोज मेरे को फोन करके कहते हैं भाई साहब बच्चों कितनी फीस बची है। एक बोल रहा था कि सर हमारी तो ऐसी हालत हो गई है कि हम क्या बता दें, सोना चांदी गहना कर्जा इतना हो गया है, अब फैकल्टी का भी किराया तनख्वाह दे रहा हूं, मकान का भी किराया दे रहा हूं, बच्चे आते नहीं हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, आजकल वो सब मोबाइल से पढ़ लेते हैं, सर प्रैक्टिकल के लिए आते नहीं हैं, अटेंडेंस लगती नहीं, तो क्या करूं, कहां तक करूं? तो हम एक परिवार के हैं, हम क्यों लड़े? अब देखिए मैं आपके मुद्दा उठा रहा हूं ईमानदारी से, बिना दबाव के, निष्पक्ष होकर के। मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं ये जो चलाता हूं तो भाई साहब मेरे को पैसा देना पड़ता है, मेरा पैसा लगता है इसमें, मेरा टाइम लगता है, मेरे और काम छूटते हैं। तो अगर मैं आवाज उठा रहा हूं ईमानदारी से, तो आप लोग भी प्लीज ईमानदार रहिए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कोरोना के महामारी की बीमारी में
थोड़ा सा डीजीटी के जो अफसर हैं उनको भी प्रेरित करिए, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, आप लोगों की दुआ लगे। वो भी हमारे परिवार के हैं, काम कर रहे, मैं देख रहा हूँ कि रात दिन बराबर काम हो रहा है, जितना वो बिजी हैं उसका मैं एक पॉइंट भी बिजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब डीजीटी दे रहा है, इसी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो कोरोना के महामारी की बीमारी में टीका लगाइए, दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाइए, ठंड बढ़ गई है, लोगों को कंबल दान करिए जिसकी जिसकी हैसियत है, और पौधे लगाइए, पानी की बचत करिए, और चुनाव की जो माहौल आ रहे उत्तर प्रदेश में और बाकी जहां, तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग वोट दीजिए, सोच समझ करके वोट दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आपका आईटीआई टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।